प्रॉब्लम्स फेस्ड वाइल सेलेक्टिंग अ कोर्स फॉर मास्टर्स। मास्टर्स के लिए आपको कौन सा कोर्स लेना है, जब आप लोग को फोर्थ ईयर के अंदर डिसाइड करना होता है गाइस, वो सबसे हार्ड टाइम होता है, ठीक है। तब आप लोग के दोस्त प्लेसमेंट्स के लिए बैठे होते हैं, आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मैं प्लेसमेंट में बैठूँ, मास्टर्स करने के लिए जाऊँ, अगर मास्टर्स भी करने जा रहा हूँ तो कौन से कोर्स के अंदर करने जाऊँ, कौन से प्रोविंस में जाऊँ, कौन से कंट्री में जाऊँ, सारी चीज़ों का कन्फ्यूजन गाइस मैं समझता हूँ, बिकॉज मैं भी ये फेज के थ्रू जा चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को किस तरीके से एक करेक्ट कोर्स आप लोग के लिए लेना है, उसके बारे में मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। आप लोगों को एग्जैक्टली बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और वो प्रॉब्लम्स को आपको किस तरीके से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अभी ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। सो गाइज मैंने क्या कर रखा है कि मैंने बुक के अंदर कुछ मेन पॉइंट्स लिख रखे हैं जो मुझे प्रॉब्लम्स हुए थे जब मैं कॉलेज में था, जब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे कौन से कंट्री जाना है, कौन से प्रोविंस में जाना है, कौन सा कोर्स लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, बिकॉज ये गाइज सबको ये वाली चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन होगा। सो नंबर वन पॉइंट होता है गाइज फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, जब हम लोग कन्फ्यूजन फेस के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली होता क्या है गाइज, हम लोग क्लास में होते हैं तो हमारे क्लास में बच्चे प्लेसमेंट्स के लिए बैठे होते हैं, फिर उनको देख के उनके पैकेजेस लग रहे होते हैं, उनको देख के हमें मन करता है कि हम लोग भी प्लेसमेंट में बैठ जाते हैं, हमारी भी सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी, बट मन के अंदर कहीं रहता है कि मैं मास्टर्स करने चला जाऊँ, बाहर जाने के बाद मैं वहाँ पे सेटल हो सकता हूँ, ये भी थॉट चल रहे होते हैं। तो अलग अलग चीज़ें चल रही होती है गाइज वो टाइम पे। आई विल ओनली जस्ट से वन थिंग गाइज कि वो टाइम पे आप लोग अपने आप से पूछो कि मुझे क्या करना है, ठीक है। डोंट कम इन टच विद योर फ्रेंड्स टू मच एट द फाइनल ईयर, ठीक है, बिकॉज ये क्या करेगा ना, जैसे आप लोगों के टच में आओगे आप कन्फ्यूज हो जाओगे, बिकॉज वो इंसान अपनी राय बताएगा, आप लोग को और कन्फ्यूजन में डालेगा। तो बेटर है आप लोग कहीं पे अकेले चले जाओ और डिसाइड करो कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, या तो प्लेसमेंट में बैठना है, या तो मास्टर्स करने जाना है, कौन से कोर्स में जाना है, या मुझे बाहर की कंट्री में सेटल होना है, जो भी है, जो भी आप लोग चाहते हो या जैसा भी आप लोग के दिमाग में चल रहा है, वो चीज़ें आप तभी पता कर सकते हो जब आप अकेले बैठोगे अपने साथ एवरी डे और अपने आप से पूछोगे कि मुझे करना क्या है आगे, तभी आप लोग को ये पता लगेगा, ठीक है। तो मैं एक ही एडवाइस दूंगा गाइज, डोंट ट्राई टू कम इन टच विद फ्रेंड्स टू मच इन योर फाइनल ईयर्स। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट होता है गाइज वो है व्हाट टू सेलेक्ट एज अ कोर्स, ठीक है। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है क्या गाइज कि मैं कौन सा कोर्स लूँ, मैं कोर्स लेने लूँगा तो बाद में मेरे को ये प्रॉब्लम्स ना आए, मैं अगर नहीं कर पाया तो वहाँ जाने के बाद मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। सो इसका बेस्ट सोल्यूशन है गाइज मेरे पास, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, आप लोग मेरे एग्जांपल से अपने आप को रिलेट कर लेना, ठीक है। तो गाइज मैंने अपने बीटेक में मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है, ठीक है। तो जब मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कर रहा था तो फोर इयर्स में गाइज बेसिकली इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ इंजीनियरिंग। मैंने हर एक कोर्स कंप्यूटर साइंस से लेके इलेक्ट्रिकल से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स मैकेनिकल हर चीज़ मैंने सीखी है इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। तो जब मैं ये सारे फेजेस के थ्रू जा रहा था, ये सारे सब्जेक्ट्स के थ्रू जा रहा था, ये सारी चीज़ें बना रहा था, प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स कर रहा था, तब मुझे एग्जैक्टली पता लग गया था कि मैं फ्यूचर में कौन सी चीज़ों के अंदर इंटरेस्टेड हूँ जाने के लिए। अब जैसे व्हेन आई हैड टेकन कोर्सेज फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे समझ आ गया था कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या कि मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली मैम क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं पढ़ रहा था तभी भी मेरा ग्रास्प भी इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कोडिंग ये सब चीज़ों के अंदर। तब मैंने गाइस फिल्टर आउट किया ये सारी चीज़ों को कि मुझे एग्जैक्टली समझ आ क्या रहा है, ठीक है। तब आप लोगों को एग्जैक्टली पता लगेगा कि मुझे किस कोर्स में आगे जाना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है ना गाइस, इंजीनियरिंग जब हम 18 ईयर्स के रहते हैं हम ले लेते हैं तब हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है, बट धीरे धीरे जैसे आप पढ़ते हो तो आपको आइडिया आ जाता है कि ओके मैं ये चीज़ में अच्छा हूँ, मैं ये चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। ये तभी पता लगेगा जब आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आपके कॉलेज में ट्राई करी है, वरना आपको एक दो चीज़ें आपने ट्राई करी होगी तो उससे आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं आएगा कि मैं ये चीज़ में अच्छा हूँ, मैं ये चीज़ में बुरा हूँ। तो डिपेंड करता है गाइस कि आप लोग कितना, आप लोगों ने आपके कॉलेज में आप अलग अलग जगह पे गए हो, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, इससे भी बहुत कुछ पता लग जाएगा कि आपको एग्जैक्टली कौन सी जगह पे जाना है, कौन सा कोर्स लेना है। तो और अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें नहीं भी करी है तो भी आप लोगों को मैं एक वे बताता हूँ गाइस, आप लोग क्या करो ना, अगर आप लोग फोर्थ ईयर में हो तो अभी तक के जितने भी मार्कशीट्स हैं आपके वो सारे आपके सामने रखो, और सामने रखने के बाद सारे सब्जेक्ट्स को एक बार ग्लांस मारो, ठीक है। कूलली कामली कोई भी चीज़ किसी के सब्जेक्ट्स से, कभी कभी होता है ना हमें ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता तो हम लोग उसको ग्रज लेते हैं कि नहीं यार ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला है, बिल्कुल पढ़ूंगा नहीं। डोंट सी इट इन दैट वे, खाली आप कोर्सेज बैठ के देखो कि मैंने जब ये कोर्स पढ़ रहा था तब मुझे क्लासरूम में कितना समझ आ रहा था, मैं जब अकेला पढ़ता था तो मुझे कितनी चीज़ें समझ आ रही थी, क्या क्या चीज़ें थी जो मैं समझ नहीं पा रहा था। ये सारी चीज़ें आप लोग जब आप ट्रांसक्रिप्ट्स लेके बैठोगे ना तब आप लोग को एक क्लियर कट आइडिया आएगा,
क्योंकि मैंने ये चीज़ करी है गाइस, मैं कंफ्यूज हो गया था कि मुझे जाना कहाँ पे है, एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड कि मुझे या तो इंडस्ट्रियल या मैकेनिकल के साइड ही जाना है, बिकॉज मुझे वही कोर्सेज समझ आ रहे थे, उसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये तभी आप लोग को आइडिया आ जाएगा जब आप लोग कैंसिल आउट करते चले जाओगे कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, नहीं मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, मुझे वो चीज़ समझ आ रही है। सो ये चीज़ एक बार ट्राई करना गाइस, बहुत काम करती है। जो नेक्स्ट वाला टॉपिक आता है गाइस, वो है कि आप लोगों ने एक बार कोर्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, फाइनलाइज करके सब कोर्स सेलेक्ट कर लिया, अब क्वेश्चन ये है कि जो कोर्स आप लोगों ने सेलेक्ट किया है वो कोर्स की डिमांड है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हो गाइस, जब भी आप लोग कैंसिल आउट कर रहे होंगे ना, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स और ये सब देख के, आपके बैकग्राउंड, आपकी पास्ट को देख के आप लोग जब सेलेक्ट कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली गाइस आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा कि एक सब्जेक्ट ही मुझे इंटरेस्ट है या मुझे इसी में जाना है। आप लोगों को दो तीन चीज़ें ऐसी देखने मिलेगी कि अच्छा मैं ये भी समझ पा रहा हूँ, मैं ये भी समझ पा रहा हूँ, मैं ये भी समझ पा रहा हूँ। तो ऐसी दो तीन चीज़ों को एक पेपर में लिख दो कि मैं अगर आगे गया भी मास्टर्स करने के लिए तो मैं ये तीन कोर्स में ही जाऊंगा, उसके अलावा मैं कहीं भी बाहर जाने वाला नहीं कोर्स करने के लिए। अब ये तीन कोर्स के अंदर क्या कर सकते हो गाइज, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है कि ये कोर्सेस चलते हैं वो कंट्रीज में कि नहीं, आई बटन में लिंक दे दूंगा, जरूर चेक कर लेना गाइज। लिंक्डइन के थ्रू आप लोग किस तरीके से मास्टर स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट में आ सकते हो और उनसे डायरेक्टली इंक्वायरी कर सकते हो कि ये कोर्स वो कंट्री में काम का भी है या फिर उसके पैकेजेस भी लग रहे हैं, कंपनीज हायर भी करती है ऐसे स्टूडेंट्स को ये कोर्स करने के बाद, ये सारी चीज़ें आप लोग वो स्टूडेंट्स को पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ, आई बटन में जो वीडियो दी उसमें क्या बताया था मैंने। आप लोग लिंक्डइन में जाओ गाइस, लिंक्डइन में जाके आप यूनिवर्सिटी का नाम या फिर यूनिवर्सिटी भी छोड़ो, आप सिर्फ कंट्री का नाम और कोर्स का नाम भी लिखोगे ना, तो आपको सारे बच्चे दिखा देंगे जो जो बच्चे वो कोर्स में आगे मास्टर्स कर रहे हैं या जिनका जॉब लगा है, जॉब कर रहे हैं, तो आप लोग डायरेक्टली उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के उनको मैसेज कर सकते हो गाइस कि ये वाला कोर्स वहाँ पे वैलिड है, ये कोर्स मैं अगर करूँगा तो किस तरीके का एक्सपोजर मुझे वहाँ मिल सकता है, मुझे क्या क्या पढ़ के आना है वहाँ पे जब आप वो कंट्री में जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग वो स्टूडेंट्स के साथ इंक्वायर कर सकते हो, एंड इट विल बी राइट क्वेश्चन टू द राइट पर्सन, बिकॉज वो जो स्टूडेंट होगा गाइज वो भी वो फेस के थ्रू जा चुका है। सो आप लोग लिंक्डइन के थ्रू ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में आ सकते हो। ये था थर्ड वाला टॉपिक। जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है गाइज, वो है हमारा कि एक बार कोर्स आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, अब कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊं या कौन से कॉलेज में जाऊं। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आएगा गाइज, और ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ट्रैप है, ठीक है, बिकॉज ये मुझे भी आया था जब मैं अप्लाई कर रहा था कि मैं कहाँ पे अप्लाई करूँ, बिकॉज इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ है, इतने सारे कॉलेजेस है, अब मुझे जो यूनिवर्सिटी में जाना है वो यूनिवर्सिटी में मेरा कोर्स चलता भी है या कोर्स चलता नहीं है, कौन से कॉलेज में जाऊँ, कॉलेज का वर्थ क्या है, यूनिवर्सिटी का वर्थ क्या है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी गाइज वीडियो आ रखी है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, हाउ टू फाइंड योर कोर्स इन अ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके कैसे आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका कोर्स वहाँ पे चलता है नहीं चलता है, सारी चीज़ें आई बटन वाली वीडियो में दिखा रखी है। तो जब आप लोग वो वाला प्रोसेस चेक करोगे कि मैंने जो दिखाया है कि आप लोग कैसे कोर्सेज फाइंड आउट कर सकते हो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, तो आप लोग को क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि ओके ये सारे कॉलेजेस है और ये सारी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे मेरा कोर्स चलता है। फिर जब आप लोग सारी चीज़ें शॉर्टलिस्ट कर लोगे, देन आती है बात अप्लाई करने की, ठीक है। अब अप्लाई किस तरीके से करते हैं गाइज, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, बिकॉज मैंने ये एरिया में मिस्टेक करी है। मैंने क्या किया था, जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को ही टारगेट किया था, कॉलेजेस को टारगेट नहीं किया था। अब गाइज सबको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज उनके वहाँ पर मास्टर डिग्री मिलती है, तो ऑब्वियसली रश भी बहुत होता है, कॉम्पिटिशन्स, वो लोग ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा देखते हैं, प्लस कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो इंटरव्यू भी रहता है। सो ये सारी चीज़ें भी होती है, और मैंने क्या किया था गाइज, सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, ठीक है, और कोई कॉलेज में अप्लाई नहीं किया है, कहीं पे भी और कहीं अप्लाई नहीं किया था। तो ये एक रिस्क था गाइज जो मैंने लिया था, एक्चुअली रिस्क नहीं था, मुझे वो टाइम पे पता ही नहीं था कि मुझे अप्लाई कहाँ करना है, तो मुझे जो भी टॉप टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ देखे उनको पकड़ के मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया। लकीली आई गॉट ए ऑफर लेटर फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम दोज 4 यूनिवर्सिटी। बट आप लोग ये वाली मिस्टेक मत करना गाइज, बिकॉज मेरे IELTS में 7 बैंड्स थे, तो लक बाय चांस मेरा ऑफर लेटर आ गया, बट जरूरी नहीं है कि आप लोग का भी ऑफर लेटर वैसे आए। बहुत लोग अप्लाई करते हैं, कॉलेजेस में भी उनको ऑफर लेटर नहीं आता है। सो आप लोग जब भी अप्लाई कर रहे हो गाइज, मेरे हिसाब से आपको 3-4 यूनिवर्सिटीज एंड 1-2 कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए। और यूनिवर्सिटीज में भी गाइज किस तरीके से आपको अप्लाई करना है वो बताता हूँ। स्टार्टिंग के जो 1 या 2 है वो टॉप लेवल को हो, उसके बाद जो 1 यूनिवर्सिटी है वो कोई मीडियम हो, और जो 3rd वाला है वो थोड़ा लो यूनिवर्सिटी हो, तो चांसेस ये रहते हैं कि गाइज आपको कहीं ना कहीं से ऑफर लेटर आने के चांसेस रहते हैं। अगर गाइज आप सारे टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दोगे तो वहाँ से ऑफर लेटर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और एक और चीज़ गाइज, जब आप लोग अप्लाई करते हो तो इनकी अप्लीकेशन फ़ीस होती है, ठीक है, और
जितनी यूनिवर्सिटी बड़ी होगी उसका नाम होगा, उतना ज़्यादा उसका फ़ी होगा। ये हमेशा याद रखना गाइस। तो जब भी आप लोग अप्लाई कर रहे हो, एक बैकअप के साथ अप्लाई करना, डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क वाइल अप्लाइंग। और गाइस जो फाइनल चीज़ होती है वो होती है आप लोग पहले कब अप्लाई करना स्टार्ट करें। बिकॉज मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस आते हैं कि मैं एग्जैक्टली अप्लाई करना कब स्टार्ट करूँ, थर्ड ईयर में करूँ, फोर्थ ईयर में करूँ, या पढ़ाई खत्म होने के बाद अप्लाई करूँ। सो गाइज अगर मैं जेन्युइनली बताऊँ आप लोगों को मेरी एक्सपीरियंस है, तो आप लोग को फोर्थ ईयर में अप्लाई कर देना चाहिए। बिकॉज होता क्या है ना गाइज, यूनिवर्सिटीज़ वन ईयर एडवांस में चल रही होती है, कॉलेजेस में तो आप लोग को गाइज 2-3 मंथ्स के अंदर ऑफर लेटर आ जाता है। अगर आप लोग कोर्स चालू होने के 3 महीने पहले अप्लाई करोगे तो भी ऑफर लेटर आ जाएगा, बट यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग को 1 ईयर पहले या 8-9 मंथ्स पहले अप्लाई करना पड़ता है, तभी भी चांसेस कम है कि आप लोग का ऑफर लेटर आएगा कि नहीं आएगा। सो मैं यही कह रहा हूँ गाइज कि आप लोग हो सके उतना पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो और बाद में आप लोग कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। सो यही था गाइज ये वाली वीडियो के अंदर कि कैसे आप लोग को एक कोर्स फाइनलाइज करना है कन्फ्यूजन के अंदर, बिकॉज व्हेन देयर इज टू मच नॉइस कमिंग टुवर्ड्स यू आप लोग एग्जैक्ट डिसीजंस नहीं ले पाओगे। तो पहले से अगर आप लोग मेंटली रेडी हो तो ज़्यादा आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा और आप लोग अच्छे से कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो। सो अगर आपका कोई दोस्त हो गाइज जो जाना चाहता हो कैनेडा या कोई भी कंट्री, उसको ज़रूर ये वाली वीडियो शेयर कर देना गाइज, उसके काम आएगी। उसे कैसे कोर्स लेना है, कॉलेज में कैसे क्या करना है, उसे सारी चीज़ें मैंने वाली वीडियो के अंदर बताई है। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।